नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। जी हां, दिल्ली और उसके आसपास किसान सड़कों पर मौजूद है। उनको समर्थन देने के लिए रीवा का किसान भी यहां पर लगातार अनशन कर रहा था। आज रीवा के अनशन के 100 दिन पूरे हुए। 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने जल सत्याग्रह करने का फैसला किया था। मैं आपको बताऊं, जिस जगह पर किसान लगातार 99 दिन से अनशनरत थे, वह थी रीवा की मंडी। प्रशासन ने उनको कहा आप शहर के बाहर जाइए, वो बाहर चले गए। वहां आज उन्होंने जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह करने के बाद राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन भी दिया। किसानों की मांग को लेकर किसान यहां पर भी संघर्षरत है। वह चाहता है विवादित कृषि बिल को सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले, खाद के बड़े रेटों को भी कम करे। आइए मैं आपको सीधे ले चलता हूं जल सत्याग्रह वाली जगह पर और दिखाता हूं वहां पर किस तरीके का नजारा है। इंकलाब जिंदाबाद, कृषि के काले कानून वापस हो, वापस हो, वापस हो। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल सत्याग्रह जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल सत्याग्रह जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानूनों के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने ये निर्णय लिया कि जल सत्याग्रह करके विरोध प्रदर्शन करेंगे और मोदी सरकार को चेतावनी देंगे कि अभी किसानों के पास बहुत बड़े आंदोलन के तरीके बाकी हैं। आपको किसान बिल वापस लेना ही पड़ेगा, अन्यथा इस देश का किसान आपकी सरकार को जमींदोज करने का काम करेगा। उनके विरोध में करहिया मंडी रीवा में दिल्ली के समर्थन में हम लोग आंदोलन 3 जनवरी से जारी किए थे। आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन देश की नरेंद्र मोदी सरकार और शिवराज सरकार मध्य प्रदेश की चाहती है कि किसान आंदोलन ना करें। कल जिस तरह से तानाशाही पूर्वक कलेक्टर रीवा ने हमारे आंदोलन को वहां से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसान ने अपने जज्बात और अपनी हिम्मत को बनाए रखते हुए कल ही रात को बिहरा में आंदोलन को शिफ्ट कर दिया है। और आज 100 दिन पूरा होने के लिए हम लोगों ने जल सत्याग्रह करके अपने आंदोलन में धार पैदा की है। और मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, हमारे मनोबल को इतना कमजोर मत समझिए। हमारी साहस हमारी कमजोरी नहीं है, हम देश की रक्षा करना जानते हैं तो हम देश को अनाज खिलाना भी जानते हैं। लेकिन यदि हमें दमन के माध्यम से आप तोड़ना चाहते हो तो यह असंभव नहीं है। आपको तीनों काले कानून वापस करने होंगे, तब तक हम अपनी इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जय जय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।